की हाल चाल, सबकी आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑफिशियल गेमर नीलू में। आज मैं आपके सामने BGMI की कुछ ऐसी टिप्स लेके आने वाला हूँ जिसकी हेल्प से यार आप अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हो। आप लोग जैसा भी खेलते हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा प्रो हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा नूब हो, कोई एवरेज प्लेयर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका गेम प्ले इम्प्रूव होगा ही होगा। जितनी भी टिप्स बताऊंगा वो आपके गेम पे काम आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टिप नंबर वन में सबसे पहले आपको अपने ट्रेनिंग मोड पे आ जाना है। ट्रेनिंग मोड ये चेयर पर कहीं भी आ सकते हो और इस वाले लोकेशन पे आप लोग आ सकते हो। आप लोग को पता ही है ये वाला लोकेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको डेली आके स्प्रे की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मिनिमम 5 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की बात है। आप लोग को आना है और इधर से उधर देखिए दोनों तरफ जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं करना है। धीरे धीरे जैसा ही आपका मतलब स्प्रे इम्प्रूव होगा और आप थोड़ा फास्ट करोगे तो आप थोड़ा थोड़ा फास्ट करना। जैसे अभी मैंने आधा दूर ले आया दोबारा, इस बार देखना मैं इधर से गया और उधर से वापस भी पूरा ले आऊंगा। इस तरह से आपको पूरा मतलब प्रैक्टिस करते रहना है। 5 मिनट तक अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली तो आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा और आप मूव से प्रो हो सकते हो, किसी को भी कितने रेंज से अपने स्प्रे से गिरा सकते हो। उसके बाद यही सेम प्रैक्टिस आपको 3x और 4x के साथ भी करनी है, जिससे भी आप स्प्रे मारना चाहते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ से मैं 4x के साथ भी कर रहा हूँ, तो इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका गेम इंप्रूव होगा। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे टिप की ओर। नंबर 2 पे मैं बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास कहीं दूर से फायर होता है तो ये आई बटन किस काम का है। ये आई बटन का यूज बहुत ही कम लोग करते हैं, तो मैं बताता हूं आई बटन का यूज क्या है। जैसे मान लो आप सीधे भाग रहे हो और पीछे से आपको आई बटन का यूज करके आपको पता चला कि पीछे एनिमी है, उसके बाद आपको सीधा नहीं भागना है। सीधा भागोगे तो आप मर सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा जिगल करके क्राउच करते हुए भागोगे तो आपका बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा बुलेट को डॉच भी कर पाओगे और बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांस है कि आप कवर में भी चले जाओ। तो ये वाली चीज हमेशा यूज करना। आप लोग सीधे कहीं मत भागना, थोड़ा सा जिगल उसके साथ क्राउच करते रहना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टिप की ओर। जैसा कि मैंने अभी पिछले टिप में बताया आपको अपनी मूवमेंट फास्ट करनी है, तो मूवमेंट फास्ट कैसे करोगे उसके लिए देखिए आपको चेयर पार्क पे इस वाले जगह पे आ जाना है और यहां पे देखिए आपको इस तरह से भागना है जिस तरह से मैं भाग रहा हूं, ठीक है। ये मेरे से भी गलती हो रहा है क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में कर रहा हूं। ऐसे जैसे जैसे आप इसको करोगे ना ये आपका मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट करेगा और जैसे जैसे आप इसे मतलब रोज अगर प्रैक्टिस करोगे 2 मिनट 5 मिनट करके तो ये आपका मूवमेंट अपना जॉयस्टिक पे हाथ आपका बैठ जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही अच्छे मूवमेंट से दे पाओगे। आप कहीं भी फंसोगे नहीं। जैसे मूवमेंट मतलब जॉयस्टिक को करते हुए कहीं कहीं हम लोग फंस जाते हैं ना, अगर ये वाली ट्रिक आप रोज मतलब करते हो, ये वाली मेरी टिप रोज अगर फॉलो करते हो 5 मिनट के लिए, तो आप कभी भी नहीं फंसोगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टिप की ओर। इस वाली चीज को बहुत ही लोग करते हैं। आप लोग ये वाली चीज देखो, मान लीजिए आप लोग यहाँ पे हो, ठीक है। वहां पे घर पे आपको बंदा स्पॉट हुआ, आपने यहाँ से नॉक कर दिया उसे, उसके बाद आप उस पर रश कैसे करते हो। आप सीधे दौड़ जाते हो उसके ऊपर इस तरह, ठीक है, और आपका क्रॉस एयर कहीं भी जाता है। जैसे आप लोग अभी मेरा क्रॉस एयर देखो ऊपर की ओर है, घर के ऊपर, ठीक है, क्रॉस एयर पे ध्यान रखना। तो ये वाली गलती आप लोग मत करना, कोई बंदा अगर आए तो आप लोग को ईजिली मार सकता है। तो क्रॉस एयर को कैसे प्लेसमेंट करना है वो मैं आपको मतलब इस वाले टिप में बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना, देखिए आपने बंदा नॉक किया तो क्रॉस एयर को उस घर के मतलब जहां पे खिड़की है वहां पे आपको एम करके ही आगे जाना है। मान लीजिए कोई बंदा अचानक से निकला तो आप स्प्रे फटाक से उस पे कर सकते हो और उसे मार सकते हो, लेकिन आपका क्रॉस एयर इधर उधर होगा तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा और तब तक आप नॉक हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ। तो अगले टिप में जो बताने वाला हूं वो गलती भी बहुत सारे लोग करते हैं। मान लीजिए आप लोग यहां पे हो और ये वाली जगह पे कोई बंदा है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे कोई एनिमी है, ठीक है, तो यहां पे मैं मार्क करने की कोशिश करता हूं लेकिन मार्क तो हुआ नहीं, पता नहीं ये क्या दिल बिल निकलने लगा। तो आपको उसे कैसे मारना है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपने गन को लेते हैं, सीधे जाते हैं और इस तरह से फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें उसका नॉक होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एम आपके ऊपर भी डायरेक्ट लगता है। लेकिन आप लोग इस तरह जाओगे और जाके आप लोग अगर जंप फायर करते हो तो आपका ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि यार आप पे वो फायर कर ही नहीं पाएगा, हो सकता है आपका बुलेट बहुत ज्यादा डॉच हो जाए लेकिन आप उसके सीधा हेड पे मारोगे। तो ये जंप फायर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी मतलब आप गेम मतलब फाइट निकालने के लिए 1v1 के लिए, तो ये आप लोग हमेशा करना, तो जंप फायर इज मस्ट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टिप की ओर। लास्ट वाली टिप एक सेटिंग है जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले यहां पे सेटिंग पे अपने चले आना है।
तो यहाँ पे देखिए मैं सेटिंग पे आ गया, उसके बाद कंट्रोल्स पे आना है, उसके बाद यहाँ पे एडवांस्ड कंट्रोल है ना उस पर आपको चले आना है। जैसे ही आप एडवांस कंट्रोल पे आओगे आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा और नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑटो हिट मार्क लगा हुआ, ऑटो मार्क हिट लोकेशन लगा हुआ है, इसे आप लोग को इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इसे इनेबल करोगे तो कोई किसी भी बंदे को आप फायर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके टीममेट को भी पता चल जाएगा कि वो बंदा कहाँ है, आपको स्पेशल मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाली टिप को आप लोग जरूर फॉलो कर लेना। और चलिए चलते हैं अपने लास्ट टिप की ओर। तो BGMI में प्रो बनने की आपके लिए लास्ट टिप्स ये है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे जो आपके गेम प्ले को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे और आपको मतलब गेम में बिल्कुल प्रो बना देंगे। तो आप लोग इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाना। साथ ही साथ आपको वीडियो अगर पसंद आई है, इतना दूर आप लोग देख ही लिए हो, तो यार चैनल वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक किए बिना मत जाना, बिल्कुल फ्री का है, और सब्सक्राइब भी बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग वो भी कर दो। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।